सोनाक्षी सिन्हा से क्या शादी जहीर इकबाल ने पैसों के लिए की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 23 जून को बड़े धूमधाम तरीके से सोनाक्षी सिन्हा ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल को अपना हमसफर बनाया। हालांकि इस शादी को लेकर कई सारे बवाल भी देखने को मिले। खुद उनके घर में कलह की शुरुआत हुई थी। पिता शत्रुघ्न सिन्हा ना चाहते हुए अपनी बेटी की शादी में पहुंचे थे तो भाई लव सिन्हा इतना ज्यादा नाराज हो गया कि वो अपनी बहन की शादी में शिरकत ही नहीं किया। हालांकि मीडिया और सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें भी आईं और मौजूदा समय में एक खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही जिसमें ये बताया जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा के साथ शादी जहीर इकबाल ने सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में ही आके किया है। आइए चले जाते हैं कि इन खबरों में कितनी सच्चाई। अब जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा अपनी मौजूदा समय में शादीशुदा जिंदगी को लेकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। लगातार वो हनीमून की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले सोनाक्षी सिन्हा के बंगलों बेचने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ही लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि वाकई में जहीर और सोनाक्षी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और क्या पैसों की वजह से जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ शादी रचाई है। इस बात को समझने के लिए आपको एक ही बात समझनी होगी कि सोनाक्षी और जहीर के बीच में संपत्ति को लेकर कितनी समानता है। अब जहां एक तरफ सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं और उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया है और यही बड़ी वजह है कि वो अपने पिता की संपत्ति को छोड़कर खुद की संपत्ति में 100 करोड़ की मालिकाना हकदार है। तो वही दूसरी ओर जहीर इकबाल की बात करें तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ के लगभग संपत्ति है। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि सोनाक्षी तकरीबन 100 करोड़ के संपत्ति की मालकिन है तो वही दूसरी ओर जहीर इकबाल के पास सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ के लगभग ही संपत्ति है। साथ ही वो एक्टिंग के साथ साथ ब्रांड एंडोर्समेंट भी करते हैं। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा का जब घर बिका तो इन सभी अफवाहों को और भी ज्यादा हवा मिली। अब इनकी शादी को 3 महीने ही बीते हैं और ऐसे में सोनाक्षी सिन्हा का घर बिक गया है। इसके पीछे की वजह भी सामने आई है। अब एंटरटेनमेंट टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोनाक्षी ने एक बड़ा अपार्टमेंट ले लिया है जिसे जहीर ने ही डेवलप किया है। बताना चाहेंगे जहीर के परिवार का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है और सोनाक्षी सिन्हा ने अपने 30 करोड़ का जो ड्रीम हाउस था उसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बेच दिया कि वो जहीर इकबाल के पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी से एक बड़ा बंगलो खरीद ले। बताना चाहेंगे कि पिछले साल दिवाली पर ही सोनाक्षी ने अपने घर की झलक दिखाई थी। ये अपार्टमेंट सोनाक्षी के लिए काफी खास था क्योंकि यह पहला अपार्टमेंट था जिसे सोनाक्षी ने खरीदा था। सोनाक्षी का इस पर कहना था कि यह सब मैंने अपने पिता की वजह से किया। मैं चाहती थी कि मेरा अपना घर हो। मेरे पापा जब भी अपने पहले घर के बारे में बताते थे वो काफी खुश होते थे। उनकी एक्साइटमेंट को देखकर ही मैंने सोचा कि अपना घर होना चाहिए। हालांकि सोनाक्षी ने अपने पहले घर में जहीर से रजिस्ट्रेशन वेडिंग की थी। इस दौरान सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त ही शामिल थे। सोनाक्षी ने अपने घर का वीडियो भी शेयर किया था जब वहां दोनों शादी के रजिस्टर कर रहे थे, तब सारे दोस्त मिलकर कैसे मस्ती कर रहे थे। फिलहाल सोनाक्षी जहीर के साथ वेकेशन पर है और वहां की कई सारी दोनों की रोमांटिक फोटोज भी शेयर होती ही नजर आ गई है।